मो नाराय गौ माता वंदे मातरमा भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नम दर्शकों मित्रों साथियों लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो जरूरी नहीं है वो महत्वपूर्ण नहीं है हां आप खुद आपके बारे में अपने बारे में खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है एक बात और कहना चाहता हूं आपकी सोच नेक होने के बावजूद भी अगर लोग आपको छोड़ देते हैं तो समझो आपने कुछ नहीं खोया खोया तो उन लोगों ने है जिन्होंने आपको छोड़ दिया है बस अपनी सोच नेक नीति की रखना परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा ओम नमो नारायण प्रदर्शनों मित्रों साथियों सितंबर 2023 का महीना बारह के बारह राशियों के लिए कैसा रहेगा वीडियो आपके सामने है आपके सामने आपकी जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्र संकेत लेकर पुनः आपके सामने आया हूं सभी मित्रों और साथियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ऋषि पंचमी भी आएगी उस वर्त की बहुत बहुत बधाई इस वीडियो में बहुत कुछ है क्योंकि 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा और वो 14 अक्टूबर तक चलेगा पितृपक्ष पितृ शांति के लिए अद्भुत माना गया है यदि आपको किसी ने भी पित्र दोष को लेकर कोई चर्चा करी है तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है प्रत्येक राशि की अलग अलग साथ ही सितंबर का महीना गणेश नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा क्या आपको लाभ मिलेगा कारोबार में सफलता मिलेगी नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा या जो कैरियर संबंधी परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी या फिर परेशानियों से जूझना पड़ेगा क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी इन सभी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन किस किस क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर 2023 का महीना बारह के बारह राशियों के लिए कैसा रहेगा इस विषय पर भी बात करूंगा गणनाएं लगन के आधार पर भी होगी और गणनाएं चंद्र राशि के आधार पर भी रहेगी तो सबसे पहले राशि पे आऊं मैं ग्रह गोचर की बात कर लेता हूं सितंबर माह महा के प्रारंभ में सूर्य देव से करता हूं देव महा के आरंभ में स्व राशि सिंह में संचरण करेंगे सत्रह सितंबर से सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे मंगलदेव माह के आरंभ से अंत कन्या राशि में संचरण करेंगे बुद्धदेव महा के आरंभ में वक्री अवस्था में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे पत्र पंद्रह सितंबर को बुद्ध देव सिंह राशि में मार्गी होंगे बृहस्पति देव महा के आरंभ में मेष राशि में विराजमान है और चार सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे शुक्रदेव महा के आरंभ में वक्री अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं चार सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे शनिदेव सितंबर के महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे सितंबर माह में ग्रहों का जो युति संबंध है एक सितंबर से सत्रह सितंबर तक सूर्यदेव और बुद्धदेव की युति सिंह राशि में रहेगी सत्रह सितंबर से माह के अंत तक सूर्यदेव और मंगलदेव की युति कन्या राशि में रहेगी इस माह बुद्ध देव शुक्रदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे फिर मित्रों साथियों ये ये जो है ना चंद्र राशि पर आधारित है कोशिश ये भी कि मैं लगन के हिसाब से आपको जानकारी दूं वो भी आपको जानकारी मिलेगी आपकी मेष राशि है या मेष लगन है दोनों ही आधार पर फल पर मैंने मेहनत की है लेकिन फल को चंद्र राशि से देखने में अच्छा लगेगा फल महिलाओं के लिए भी है पुरुषों के लिए भी है युवाओं के लिए भी है बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी और ये राशिफल जनरल है आप चाहते हैं कि आपके लिए आपकी जन्म कुंडली क्या संकेत दे रही है जो तो नीचे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं मित्रों साथियों एक बात और कहना चाहता हूं ये मेरा आंकलन है और मैंने कभी किसी पर दबाव नहीं दिया ये मानो न मानो ये आपकी मर्जी ये निवेदन हमेशा मैं आपसे करता हूं अब सितंबर के महीने में बारह के बारह राशियों पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या आंकलन होगा इस विषय को लेकर आपके सामने और मैं बात करूंगा वह राशि चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा सितंबर 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कन्या राशि वालों के लिए क्या राशि फल का संकेत दे रहा है इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कन्या राशि वालों पर लगन के आधार पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा मैं सबसे पहले कन्या राशि की राशि अधिपति बुद्धदेव की बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए बुद्ध देव दसम और लगन भाव के स्वामी होकर वक्री अवस्था में सिंह राशि बारहवें भाव में संचरण कर रहे हैं सप्तम दश से छठे भाव को देखेंगे पंद्रह सितंबर को बुद्धेव सिंह राशि में मार्गी होंगे काल पुरुष की कुंडली में बारहवें भाव में बुद्धदेव नीच के होते लेकिन सत्रह सितंबर के बाद सूर्य देव और बुद्ध देव का परिवर्तन राज्यों की स्थिति में संचरण करेंगे यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी कार्य में गुणवत्ता बढ़ने का उच्च अधिकारियों से प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा सास पराक्रम उत्साह में वृद्धि होगी कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी व्यवसाय में मनोनुकूल कार्य सफलता के प्रबल योग आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे लेकिन यहां बुद्ध का यह संकेत लाभ है सफलता है खुशी है लेकिन व्यर्थ की चालाकियों से आपको परेशानी आ सकती है अपनों के साथ व्यर्थ की चालाकियों से बचना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी पारदर्शिता बहुत जरूरी रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी है यह था कन्या राशि की राशि अधिपति बुद्धदेव के बारे में जानकारी मैं बात करूंगा सूर्यदेव की कि सूर्यदेव कन्या लगन कन्या राशि को क्या संकेत दे रहे हैं सितंबर के महीने सूर्यदेव द्वादश होकर स्वराशि सिंह में द्वादश भाव से संचरण कर रहा है सप्तम पूर्ण से छठे भाव को देखेंगे व्यवसाय में मनोनुकूल विदेशी लाभदायक संबंध बनेंगे विदेश से जुड़े जातकों के लिए लाभ हासिल करने का अच्छा मौका है मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य जातकों को लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे इस दौरान आपको इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होने से मनोबल मजबूत होगा नई रणनीति कारागार साबित होगी और उनका भरपूर लाभ आपको मिलेगा मित्रों के साथ घूमने फिरने से मानसिक तनाव कम होगा परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण आर्थिक नुकसान के योग भी है व्यवसाय निर्णय में सावधानी बरते अन्यथा परेशानी भी उठानी पड़ सकती है मतलब तो बिना सोचे समझे पूंजी निवेश नहीं करें विवादी सौदों से अपने आप को दूर रखे प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बेहतर समय है सत्रह सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे सत्रह सितंबर से सूर्यदेव बुद्धदेव परिवर्तन योग में संचरण करेंगे स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे व्यवसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा व्यापार को नई दिशा और गति देना में सफलता रहेगी इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा व्यवसाय विस्तार के मौके मिलेंगे लेकिन सामाजिक और पार्वरिक निजी जीवन के लिहाज से सूर्यदेव की लगन भाव में उपस्थिति आपके लिए स्वभाव में सकारात्मक बदलाव लाने का संगत जो आपका स्वभाव है उसमें सकारात्मक बदलाव चाहिए एटीट्यूड आपको नुकसान देगा एटीट्यूड की वजह से घर के लोगों के साथ अहम टकराव के संकेत नजर आ रहे हैं कुछ परेशानियां आपके जीवन में आपकी अहम की वजह से हो सकती है आपके अहंकार की वजह से हो सकती है स्वास्थ्य की मोर्चे पर कोई बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा परंतु तो छोटी मोटी कार्यशैली की वजह छोटी मोटी तनाव आपको समस्याएं नजर आ रही है तो एटीट्यूड नहीं रखें अकारण क्रोध नहीं करें अग्रसन कम रखें अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें सफलता तो है बात मंगलदेव की करते हैं मंगलदेव अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी होकर कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे चतुर्थ दश से चतुर्थ भाव सप्तम दशी सप्तम और अष्टम दशी अष्टम भाव को देखेंगे मंगलदेव की लग्न भाव में उपस्थिति आपको अति आत्मविश्वासी बनाएगी जिसे आपकी सफलता में बाधा आ सकती दूसरों को न सुनने दूसरे पर हानि होने की प्रवृत्ति इसमें आपको अपनों से दूर लेके जाएगी वरिष्ठजनों बहुत से बातचीत करते समय मर्यादाओं का ध्यान रखें सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपकी छोटी छुट छोटी बातों को लेकर परेशानी आपको आ सकती है जिसे आपको बचने की जरूरत है क्रोध नहीं करें जल्दबाजी नहीं करें अपनी नहीं चलाए इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा मंगलदेव अपनी चतुर्दशी चतुर्भाव को देख रहे भूमि भवन वाहन के कर विक्रय से लाभ मिलेगा प्रॉपर्टी का बिजनेस फलेगा फूलेगा लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षित है विवादित चीजों से दूर रहना है मंगलदेव की सप्तम दशी सप्तम भाव पर है पार्वती सदस्य को साथ लेके चले जीवन साथी से जी संबंध थोड़े प्रतिकूल रह सकते छोटे मोटे मुद्दे के लोग घर में विवाद नहीं हो इस बात का प्रयास करें पार्टनरशिप के व्यवसाय में वाद विवाद से बचें मंगलदेव अपने अष्टम भाव को देख रहे हैं सुसराल पक पक्ष से संबंध बेहतर होंगे और गुट ज्ञान में रुचि बढ़ेगी रुके धन की प्राप्ति आर्थिक पक्ष मजबूत होगा स्वास्थ्य के मोर्चे अपना सकारात्मक रखें और अत्यधिक गुस्से से बचेंगे आपका अत्यधिक आवेशात्मक रवैया आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारी साबित होगा इससे आपको बचना होगा यह था संकेत मंगलदेव का अब मैं बात बृहस्पति देव की करूंगा बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव के सामग्री अष्टम भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण कर रहे हैं चार सितन को बृहस्पति मेष राशि में बकरी होंगे बृहस्पति देव की पंचम दशी बारहवें भाव में सातवें दशी दूसरे भाव में नवम दशी चतुर्थ भाव में रहेगी कामकाज कारोबार व्यवसाय नौकरी आर्थिक दृष्टि में उन्नति का मार्ग प्रसुद्ध होगा आय के नए साधन उपलब्ध होंगे ये महा व्यापार और विस्तार के लिए व्यापार में विस्तार के लिए आय में वृद्धि के लेकर आने वाला है व्यवसाय में कामकाज में सुदृढ़ता आएगी बृहस्पति देव की पंचम दशी द्वादश भाव पर है विदेश संबंधी कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा परंतु तो आय और खर्चे में तालमेल बिठाकर चलना जरूरी होगा बृहस्पति की सात दशी दूसरे भाव रहे तो रहे पर रहेगी तो कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी परंतु कारोबार के दशम समय उन्नति कारक रहेगा कार्य व्यवसाय में अच्छे परिणाम प्राप्त हो आर्थिक लाभ मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा बृहस्पति की नवम दशी चतुर्थ भाव पर रहेगी चतुर्थ भाव आपके जीवन का सुख वैभव गाड़ी जमीन जायदाद है भवन भूमि प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा इस माह कोई नई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं या पुरानी संपत्ति को बेचना चाह रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बात शुक्रदेव की करते हैं शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में वक्री अवस्था में कर्क राशि ग्यारहवे भाव में संचरण करें सप्तम दशी पंचम भाव को देख रहे चार सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे कार्य में गति अच्छी आएगी अनुकूलता आएगी लाभ मिलेंगे सफलता मिलेगी अवसर मिलेंगे और मनोकूल कार्य करने का मौका भी मिलेगा एफर्ट और परिश्रम के अनुसार लाभ प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा आपको अपने सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति से योग बनेंगे शुक्र शुक्रदेगा गोचर और सामाजिक और निजी जीवन के लिहाज से बहुत फायदेमंद रहेगा पारिवारिक उठापट मुक्त से मुक्ति मिलेगी पारिवारिक आपसी सहयोग की वजह से परिवार की से के संबंधों में सुधरता आएगी आपसी रिश्ता मजबूत होगा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आर्थिक धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे कार्य क्षेत्र में नए अवसरों का लाभ मिलेगा और संतान पक्ष अनुकूल बना रहेगा संतान की शिक्षा संबंधी मसले भी सुलझेंगे शनिदेव की बात करें कि सितंबर के महीने में शनि देव कन्या राशि को क्या संगे शनिदेव पंचम और छठे भाव महा के स्वामी और माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था कुंभ राशि छठे भाव में गोचर करेंगे छठे भाव में विराजमान शनि देव की तीसरी दशी अष्टम भाव सातवीं दशी द्वादश भाव और दसवीं दशी तीसरे भाव व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी शत्रु षड्यंत्र से मुक्ति मिलेगी लेकिन फिर भी गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा बिना सोचे समझे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय लेना हानिकारक रहेगा आर्थिक स्थिति मजबूत है शनिदेव की तीसरी दशवी अष्टम भाव पर रहने से पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे अटकी हुई योजनाएं पूरी होगी डूबे धन की प्राप्ति होगी पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा सातवीं दृष्टि द्वादश भाव रहने से आयात निर्यात के कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा देश विदेश की यात्राओं का योग होगा दसवीं दृष्टि तीसरे भाव में रहने कामकाज कारोबार व्यवसाय नौकरी के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी मेहनत का प्राप्त उचित फल आपको प्राप्त होगा भाई बहनों का पूर्ण प्यार और सहयोग और पैसा भी मिलेगा बात करते हैं राहुदेव की राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में संचर कर रहे हैं और यह समय आपको बहुत एक्टिव रहेगा आप में उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी साधना की और मन अग्रसर होगा नई नई चीजों को करने का मौका मिलेगा और कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे लेकिन नुकताचीनी से बनना होगा बचना होगा सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें अपनों के साथ दगा नहीं करें और बहुत जरूरी है इस समय एक बात का ध्यान रखना रिश्तों में पवित्रता रखें परिशुद्धता रखें और व्यथ की शंका न करें ये बहुत जरूरी है केतुदेव तुला राशि दूसरे भाव में है और दूसरे भाव में केतुदेव काम काज कारोबार नौकरी परिवार समाज में उत्तम अवसर दे रहे हैं सफलता मिलेगी नए अवसर प्राप्त होंगे आर्थिक सुधरता आएगी लेकिन वाणी पर संयम चाहिए भाषा पर शालीनता का परिचय देना बहुत जरूरी होगा अन्यथा पारिवारिक कलह की प्रबल संभावना है यह था नौ के नौ ग्रहों का विभिन्न राशियों में लगन के आधार पर संचरण का प्रभाव जब ये ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे युति संबंध बनाएंगे दृश्य संबंध बनाएंगे तब कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना गोचर के हिसाब से क्या संकेत देगा क्या खुशियाँ मिलेगी क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा क्या परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे क्या कैरियर और एजुकेशन में सफलता मिलेगी क्या व्यापार में सफलता मिलेगी क्या अपनों का साथ मिलेगा इस सारे विचार लेकर मैं आपके सामने गुरु मंत्र में दाती महाराज पर हूं और कोशिश मेरा है कि जो राशि पहले वो आपकी चंद्र राशि आपके नाम राशि पर आधारित है और सबसे पहले मैं बात करूंगा कामकाज कारोबार नौकरी और आर्थिक स्थिति कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव वाकली अवस्था में सिंह राशि बारहवें भाव में संचरण करें पंद्रह सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होंगे स्वराशि सिंह में सूर्यदेव का संचरण बारहवें भाव पर है बृहस्पति की पंचम शुभदशी सूर्यदेव और बुद्धदेव पर है सप्तम शुभदशि धन भाव पर है नवम शुभ दृष्टि शुक्र भाव यानी चतुर्थ भाव पर रहेगी ग्यारहवें भाव में विराजमान शुक्रदेव की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर है शनिदेव अपनी मूल राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में बकरी अवस्था में संचरण करें संपूर्ण ग्रह योगा को सूक्ष्म दृष्टि देखा जाए तो कारोबार कामकाज का नौकरी लिहाज से समय ठीक रहेगा देश विदेश से कारोबार संबंध बनेंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का लाभ के साथ साथ अच्छे मौके भी मिलेंगे यदि आप अपने देश से बाहर जाकर कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है अच्छा संकेत नजर आ रहा सासन सासन है अवसर का शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं तो एक से अधिक आय स्रोतों का लाभ भी मिलेगा कैरियर की दशोन सितंबर को महीने का प्रवाद भाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा परिश्रम पर ध्यान दें सहकर्मी और बहुत से बनाकर रखें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दें सितंबर का उत्तराध आपके लिए लाभदायक रहेगा कैरियर में गति मिलेगी कारोबार में सफलता मिलेगी रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी लाभ प्राप्ति के बेहतर मौके मिलेंगे परंतु बहुत जरूरी यदि आप नौकरी में हैं इस समय नौकरी में परिवर्तन नहीं करें कामकाज में परिवर्तन नहीं करें उसी में मेहनत करें परिश्रम करें और आपको मनोवाचार सफलता अवश्य मिलेगी पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी मनोबल मजबूत होगा कार्य क्षेत्र में कोई कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिल सकती है ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर भी देगा जो लंबे समय तक भविष्य में आपके लिए लाभदायक रहेंगे मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा देश विदेश की यात्राओं का योग है सत्रह सितंबर गोचर इस बात का संकेत रहा है कि आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे आप ज्वेलर हैं आर्किटेक्ट है इंश्योरेंस है कंप्यूटर है, है आई सेक्टर है टेक्नोलॉजी है प्रिंट मीडिया है फिल्म फिल्म इंडस्ट्री है वकालत है न्यायालय से जुड़े हैं तो गोचर की गणना लाभ सफलता और आगे बढ़ने का अच्छा मौका दे रही पुराना कोई रुकावा धन मिल सकता है पुस्तनी संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा राजनीतिक वर्चस्व बढ़ोतरी इसके साथ ही स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए अहंकार नहीं अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास से आपको बचना होगा तो मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी उच्च पदों पर आसन व्यक्तियों का साथ भी मिलेगा बस निर्णय क्षमता मजबूत रहे अहंकार से दूर रहे आत्मबल कमजोर नहीं होने ले। लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे तो सफलता भी है लाभ भी है और धन भी है सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा पारिवारिक वातावरण पूर्णता आपके पक्ष में संकेत दे रहा है वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण रहेगा वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा जीवन साथी से तालमेल में अनुकूलता आएगी इस समय पारिवारिक दृष्टिकोण भी आपके लिए ठीक है परंतु नक्षत्र का पर काबू रखे कानूनी मसलों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी इस समय शत्रु आपको नुकसान पहुंचाएगा परंतु अनावश्यक मानसिक हलचल पैदा कर सकता है शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता लेकिन वो आपके लिए अनावश्यक मानसिक हलचल पैदा कर सकता है इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर समस्या नजर आ रही इसमें लापरवाही नहीं करे फिर भी जीवन साक्षी साथ, साथ कटुता है इस पर विशेष ख्याल रखें परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से समय पूर्णता आपके पक्ष में है सितंबर दो हजार तेईस मनो की पूर्ति कराएगा कैरियर और एजुकेशन में आप जागरूक रहेंगे उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी माता पिता परिवार शिक्षक का मार्गदर्शन इस महीने आपके लिए उपयोगी रहेगा हाँ मनोनुकूल सफलता के लिए प्रयास बहुत जरूरी प्रतियोगी परीक्षा इंटरव्यू में सफलता के लिए मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता तो है कैरियर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और तो परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा पुरुषार्थ का फल मिलेगा और में कमी नहीं रही, तो आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा अच्छा बहुत जरूरी स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करें मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और मौसमी बीमारी से विशेष सावधान रहे छोटी मोटी बीमारी हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना है अब आप चाहते सितंबर के महीने में कुछ परेशान है तो उपाय क्या है चाहे वो कैरियर हो चाहे कामकाज हो चाहे परिवार हो समाज हो चाहे स्वास्थ्य यदि आपको परेशानी आ रही है तो बहुत जरूरी है सितंबर के महीने में कन्या राशि वालों को ओम प्राम प्रीम प्राम स शराय नम और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नम कन्या राशि वालों को बृहस्पति देव और शनिदेव के बीच मंत्रों का जाप अधिक से अधिक करना है और हर बुधवार को श्रद्धानुसार पालक किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना है या फिर गाय को खिला देना है ये उपाय कर लेना परेशान से छुटकारा मिल जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनतीस सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और श्राद्ध पक्ष में हर रोज पक्षियों को बाजरा डालना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा रात में श्रद्धानुसार मूंग भिगो दे और सुबह पक्षियों को डाल दे तो कामकाज को लेकर कैरियर को लेकर जो उठा है उससे छुटकारा मिल जाएगा कन्या राशि वालों को अपने पितरों के नाम से पानी की व्यवस्था या प्याऊ लगवाना उत्तम रहेगा किसी गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करने से भी आपके पितर प्रसन्न होंगे जो भोजन आपके पूर्वजों को पसंद आ पूर्वजों की मृत्यु तंत्री के दिन श्रद्धापुर पंचप्रचार पूजन कराने पर सदाचारी ब्राह्मण से तर्पण वगैरह कराने के बाद गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना अति उत्तम रहेगा अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि के दिन पितृ पूजन जरूर करें पितरों के नाम से तर्पण जरूर करें किसी पवित्र नदी या सरोवर के किनारे यदि आप ये तर्पण करें तो सोने में सोगा अपने घर में भी कर सकते लेकिन मौका मिल जाए तो जरूर देखना चाहिए घर की दक्षिण दीवार पर पितरों को फोटो जरूर लगाएं उनके सामने हर रोज दीपक जलाएं पुष्प अर्पित करें फूलमाला अर्पित करते हर रोज प्रणाम करें और आशीर्वाद सात हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब निर्धन लोगों को भोजन कराना पंद्रह दिन उत्तम माना गया है लगातार सात प्रश्न हर रोज सुबह और शाम मिट्टी के दीपक में कपूर और लौंग का धूप अपने घर में जरूर दिखाए इससे भी पित्र आपके प्रसन्न होंगे दर्शकों मित्रों साथियों ये था कन्या राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर संपूर्ण राशिफल उपाय और पितरों को कैसे प्रसन्न करें उनकी जानकारी मित्रों साथियों भ्रम न तर्कन उपन का था, आंकलन मेरा है। मेरे, से कोई भूल हो मेरे से कोई गलती हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं आप सुखी रहें आप स्वस्थ रहें समृद्धिशील रहे शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना ओम न मनारे राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं बेटियों से बहुत प्यार करता है हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं तेईस सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए नहीं पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था हमेशा मैंने एकाक्ष सेवा करिए आप मैं भी सेवा करता हूं आप भी सेवा करें धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो मेरे को यह कहने के लिए मजबूर कर रही है कि संविधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए भाई आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा पूरे साल खड़ा रहूंगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर संपर्क करिए आप मेरे से बात करिए लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हृदय से आया लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं फिर भी मैं अभी भी मैं मेरा यह अहंकार नहीं साथियों मेरा राज सरोपर ही है मैं 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 ये ये नहीं कह कह रहा रहा हूं मैं रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए भगवान आपकी रक्षा करे खुशियों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन और वे लोग जो सक्षम है सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग लगभग बीस से पच्चीस पचास लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सनिधाम गौशाला में इक्कीस सौ रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सनिधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए सरकार सपोर्ट कर रही है अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते हैं शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर है जरूर सहयोग करें मेरा कोई दबाव नहीं है प्रार्थना थी ओम नमो नारायण ओम नमो